हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप किस प्रकार से अपनी भूमि की डिमार्केशन कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। किस प्रकार से आप अपने कोई भी आपकी भूमि है उसकी डिमार्केशन आप किस प्रकार से कर सकते हो, इसको अब आज हम जानेंगे। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ पे दोस्तों हम जाते हैं और इस तरह से हमारे पास विंडो खुल के आ जाती है, और इसको खोलने के बाद दोस्तों हम जहाँ पर भी हमें जहाँ का भी हमें नक्शा चाहिए उसका हम नक्शा इस तरह खोल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हमारा कोई गांव है या कोई शहर है, वहाँ का हम नक्शा देखना चाहते हैं और वहाँ के डिमार्केशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली वहाँ का नाम लिख देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ अमृतसर दे देता हूँ, तो दोस्तों डायरेक्ट ये अमृतसर पे जाके खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये अमृतसर शहर आ गया है, और इसको जैसे मैं जूम करूँगा तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से एगर किए। मैं थोड़ा खेतों की साइड चले जाता हूँ दोस्तों, ताकि थोड़ा क्लियर से जुम आए, फिर आता हूँ आबादी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ये किले कटे हुए हैं और यहाँ पर ये रास्ता है। अगर मैं मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर ये ऑप्शन है शो रूलर, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा। अगर मुझे लाइन चाहिए, लाइन लेनी है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं लाइन लेनी है तो ये यहाँ पर इसका डिस्टेंस बता देगा। दोस्तों मैप लेंथ सेंटीमीटर में हम किसी में भी ले सकते हैं, मीटर में, फीट में, जो भी हमें ठीक लगे हम फीट में ले लेते हैं। और ये दोस्तों पाथ है, ये लाइन थी। लाइन से क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मैंने ये लाइन ली, अब ये इतनी होगी, और दोबारा लाइन लूँगा तो पिछली वाली हट जाएगी, फिर अगली लूँगा तो उससे पिछली वाली वो लाइन हट जाएगी, तो ये होता है। और पाथ में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई ये पाथ है, इसी को मैंने पाथ बनाना है, तो इसको यहाँ क्लिक करूँगा, फिर यहाँ क्लिक करूँगा, उसे ज्वाइंट होता हुआ वो चला जाएगा, तो इस प्रकार से होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये इसकी लेंथ भी जोड़ता हुआ बता रहा है कितनी इसकी लेंथ भी, आप थोड़ा इसको जूम आउट करके के भी देख सकते हो, थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है। और दोस्तों इसके बाद जो इसका है, अगर हम इसका एरिया देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम चले जाएंगे पॉलीगन में, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों हमें एरिया किस में चाहिए, स्क्वेयर यार्ड में चाहिए, स्क्वेयर फिट में चाहिए, तो हम स्क्वेयर यार्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर ये फिट में देगा दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ पर क्लिक करूँगा, अगर गलती हो जाए तो फिर राइट क्लिक कर दूँगा, ये मेरा हट जाएगा। इसको दोस्तों थोड़ा जूम करके ले लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियरिटी हो। इसको मैं यहाँ से यहाँ पर इस तरह से मैं क्लिक कर लूँगा, इसकी अभी लाइन सीधी हो गई है। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, ये 410 फिट का था, और इसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से आ जाएगा। फिर मैं इसके बाद इसका जो ये कोना है उस कोने पे क्लिक करूंगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों। ये टोटल 8056 स्क्वेयर यार्ड इसकी लैंड है। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी ज़मीन को, अगर कोई आबादी देने वाली ज़मीन है तो उसकी भी हम डिमार्केशन ईजिली कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मकान है, अगर मैं इसके डिमार्केशन की बात करूं तो इसके डिमार्केशन में इस प्रकार से कर सकता हूं। ये जो है, अगर मैं इसको क्लियर कर दूंगा तो पिछले के लिए आ जाएगा, इसके मैं डिमार्केशन इस प्रकार से कर सकता हूं दोस्तों। देखिए मकान कितने गज में बना हुआ है, इसमें अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए 1285 स्क्वेयर यार्ड में मकान बना, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इस
रास्ते की बात करूँ, ये रास्ता इतनी फिट का है कि देखिए दोस्तों, इसकी जो लेंथ है कुछ यानी कि दोस्तों दोस्तों आ रही ना भी आपके लिए मिली है। ये कुल 133 फिट है, 133.76 फिट है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताया मैंने। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम कोई सर्कल ले लेते हैं, चलो अब हरियाणा की बात कर लेते हैं, सोनीपत की बात करते हैं दोस्तों, सोनीपत हरियाणा। देखिए दोस्तों, ये सोनीपत हरियाणा खुल गया है। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए हमें कोई सर्कल लेना है यहाँ से, तो हम फिर इसके बाद ये सर्कल पे क्लिक करेंगे, इसका रेडियस किस में दिखाएगा आपको फिट में और एरिया किस में आएगा, तो इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए दोस्तों ये फिट दिखाता जा रहा है। जितना हमें सर्कल चाहिए हम इस तरह से ये सर्कल यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सर्कल का एरिया भी शो कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।